जब भी हम डिसाइड करते हैं किसी दूसरे कंट्री में जाकर जॉब करने के लिए, ज्यादा पैसा कमाना है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए, यूरोप कंट्री में, चाहे वो जीसीसी हो, यूरोप हो, या किसी भी अब्रॉड कंट्री हो, तो वहां पे जरूरत पड़ती है एक जॉब कंसल्टेंसीज की। ऐसी जॉब कंसल्टेंसीज जो आपको जॉब प्रोवाइड करती है, वीजा का प्रोसेस, इंटरव्यू का प्रोसेस, जो भी निगोसिएशन होता है इंप्लॉयर और इंप्लॉय के बीच में, वो मीडिएटर का काम करती है और दोनों तरफ से पैसा लेती है। इट मीन्स कि हमें जॉब कंसल्टेंसीज का एक सही तरीके से सिलेक्शन, एक सही चुनाव बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम यहीं पे फेल हो जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि सही चीज को हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। मेरे कमेंट बॉक्स में हजारों ऐसे कमेंट है कि कैसे रिकॉग्नाइज करें, कैसे पहचाने कि ये जॉब कंसल्टेंसीज रियल है या फेक है। इस पर मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, लेकिन ये वीडियो कुछ खास है इसलिए कि मैं बेसिकली बहुत ही कम टाइम में आपको मैं बता दूंगा कि कैसे आपको रिकॉग्नाइज करना है, जॉब कंसल्टेंसीज को पासपोर्ट देना है नहीं देना है, पैसा देना है नहीं देना है, कैसे डिसाइड करेंगे कि ये जॉब कंसल्टेंसी फेक है या जेन्युइन है, रियल है। तो पहली जॉब कंसल्टेंसी ऐसी होगी जिसके पास जेन्युइन जॉब वैकेंसीज आती है। इट मीन्स कि कंपनी की तरफ से आया कि इतना हमको वर्कर्स चाहिए, वेल्डर 10 चाहिए, इंजीनियर 3 चाहिए, इलेक्ट्रीशियन 10 चाहिए, प्लम्बर 5 चाहिए, इस तरह के और लिस्ट भेज देगी कि भाई आप इंटरव्यू ले लो, या मेरे तरफ से कोई क्लाइंट जाएंगे, आप मेरे क्लाइंट इंटरव्यू लेंगे, एक डेट फिक्स करेंगे, जगह आपकी होगी, सब कुछ होगा, लाइसेंस आपका होगा, और आपके कंट्री से आपके लोगों को हम सिलेक्ट करके लेके आएंगे। ये जॉब कंसल्टेंसीज क्या करती है, पेपर में, सोशल मीडिया के थ्रू, जैसे भी जिसका भी इसका सोर्स है, जो भी प्लेटफॉर्म है, वहां पब्लिश कर देती है क्या वैकेंसीज। हमारे आपके जैसे लोग जाते हैं और जाकर के अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू होती है, सिलेक्शन होता है, मेडिकल होता है, और वीजा प्रोसेस होता है, और मेरी फ्लाइट हो जाती है, हम लोग जाके कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं। जो भी निगोशिएशन होता है, जो भी है, इसी चैनल के थ्रू होता है। एक ये होता है, एक ऐसी जॉब कंसल्टेंसी है, उसकी भी वैकेंसीज पेपर में आती है, अपने सोशल मीडिया पे, अपने वेबसाइट पे पब्लिश करती है, और हमारे आपके जैसे लोग जाके अप्लाई करते हैं। एक उन्हीं का बंदा, या कहीं से भी एक बाहर से एक इंजीनियर या क्लाइंट को पकड़ लेंगे भाड़े पे, लाकर वहां बैठा देंगे, और उनसे कहा जाएगा कि देखो आपकी सिलेक्शन हो चुकी है, लेकिन एक कंडीशन ये है कि आपको 20 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। 20 दिन की ट्रेनिंग होगी, इसमें तकरीबन 40,000 रुपए खर्चे आएंगे, वो आपको ट्रेनिंग करके, और आप उसके बाद आपको कंपनी में आपको भेज दिया जाएगा, वीजा का प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन ये जो 40,000 रुपया है वो कंपनी में जब आप ज्वाइन करेंगे आपकी सैलरी मिलेगी, वहां से धीरे 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 उसमें ऐड करके आपको रिफंड कर दिया जाएगा। यानी कि ये 40,000 रुपया अभी आपको इंडिया में देना है और वहां जाके आपको रिफंड कर दिया जाएगा। उसके बदले में 40,000 रुपये के बदले में हम आपको काम को ट्रेनिंग देंगे, कैसे एक स्टैंडर्ड है, कैसे काम करना है, क्या स्टैंडर्ड है कंपनी के, उसके बारे में बताई जाएगी। तो ये दो तरह की है ऑफिसेज। जैसे जॉब कंसल्टेंसीज आपसे आपको इनवाइट करती है कि आपकी सिलेक्शन हो चुकी है, आप बिल्कुल फिट हैं जाने के लिए, आपका सैलरी बहुत ही ज्यादा आपको बताया जाएगा, 50,000, 1,00,000, 2,00,000 कुछ भी बोल देंगे, लेकिन आपको ये 40,000, 30,000, 35,000, 45,000 आपको देना पड़ेगा, और आपको ट्रेनिंग होगी 120 दिन की, उसके बाद से आपकी मेडिकल होगा और आपका वीजा प्रोसेस में चला जाएगा, आपकी फ्लाइट हो जाएगी। अगर इस तरह के जब भी ऑफिस, कोई भी ऑफिस दुनिया की, चाहे दिल्ली का ऑफिस हो, बंबई की ऑफिस हो, लखनऊ की हो, पटना की हो, कहीं की भी हो, धीरे से निकल लीजिए। धीरे से बोलिए कि सर मैं नीचे से थोड़ा, मैं वॉशरूम होके आता हूँ, या चाय पी के आता हूँ, या मैं कॉल करके आता हूँ, और कोशिश कीजिए कि अपना सारा डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट वहाँ से लेके निकल जाएं। ये 100% फेक है, फ्रॉड है, आपको फंसा देंगे, और ये धड़ल्ले से चल रहा है मार्केट में ट्रेनिंग के नाम पे। कैसे भी उनका इंटेंशन ये होता है, एडवांस के तौर पे या ट्रेनिंग के नाम पे या किसी भी चीज के थ्रू आपसे पैसा ले ले। जो जेन्युइन ऑफिस होगी कभी भी पैसा नहीं मांगती है। हजारों ऐसे ऑफिसेज हैं जेन्युइन, सब फेक नहीं है दुनिया में, लेकिन आपको रिकॉग्नाइज करना है। आप उस ऑफिस में कदम रखते ही आपको पता चल जाएगा ये ऑफिस जेन्युइन है कि फेक है। सबसे पहला क्या है, उसका लाइसेंस नंबर देखिए, 1,000+5 होना चाहिए, 3 होना चाहिए नीचे में, इस पर मैंने वीडियो बना रखे हैं, 1,000+5 क्या है, कैसे रिकॉग्नाइज करें। दूसरी चीज, अगर आपको आपकी सैलरी बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके, आपका जो उम्मीद है, जो एक्सपेक्टेशन है, इससे ज्यादा अगर आपको बताई जा रही है, तब भी आप वहां से निकल लीजिए, क्योंकि वो सही नहीं है। वो इसलिए बताया जाता है ताकि उसके झांसे में आप आ जाओ, वो क्लच में उसको लेने के लिए, आपकी इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए, ठीक है। जो स्टैंडर्ड, जो प्राइस है आपकी, जो जॉब की जो प्राइस है, वही प्राइस आपको दिया जाएगा। जितनी सैलरी चल रही है वही मिलेगी, ज्यादा क्यों मिलेगा आपको,
19-20 का फर्क आता है। ऐसा नहीं है कि आपकी आपकी जो मार्केट वैल्यू है 2000 रियाल है, कहीं 5000 रियाल मिल रहा है या 4000 रियाल मिलता है, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है, दिमाग से निकाल दीजिए। और दूसरी चीज कि कभी भी ट्रेनिंग के नाम पे पैसा नहीं देना है। जेन्युइन जॉब कंसल्टेंसीज, पहले इंटरव्यू होगी, पास हो जाएंगे, मेडिकल कराई जाएगी, मेडिकल फिट हो जाएगा, उसके बाद बहुत ही मिनिमम यानी कि 40,000 या 30,000 रुपीज आपको उन लोगों ने बताया है ऑफिस चार्ज, तो सिर्फ 10,000 रुपया लेंगे वीजा प्रोसेस के नाम पे आपको ब्लॉक करने के लिए। और वीजा प्रोसेस हो जाएगा, वीजा स्टैंपिंग हो जाएगा, उसके बाद आपको फिर से पेमेंट के लिए इनवाइट करेंगे, पेमेंट कीजिए, फ्लाइट कीजिए, जाइए। लेकिन जितनी भी फेक ऑफिसेज हैं वो ट्रेनिंग के नाम पे, एडवांस के नाम पे मांगती है। ट्रेनिंग जहां आया, ट्रेनिंग वर्ड आप निकल लीजिए। मैं आप लोगों को बचाने की कोशिश करता हूं और आप लोग बचिए। मैं किसी भी ऑफिस का स्पॉन्सर्ड नहीं हूं, ना ही किसी ऑफिस को मैं रिकमेंड करता हूं, और ना ही मैं लाइक करता हूं किसी ऑफिस को प्रमोशन देना इस तरह से, क्योंकि आपका जो पैसा है हार्ड अर्न मनी है, पैसा मेहनत से कमाते हैं, घर से कहीं से भी आप लेकर आते हैं, इंतजाम करके कुछ भी करके लेके आते हैं, उस पैसे को कोई राइट नहीं है कि आपके पैसे को कोई छू दे।